हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव माइंड। दिस इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड एंड द चैप्टर नेम इज़ द डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। इस वीडियो में हम जो आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ डेक्कन आर्ट एंड फर्स्ट 4 पेंटिंग्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देन नंबर 1 पेंटिंग इज सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड हॉकिंग कंपोइस हॉर्स। नेक्स्ट इज रागिनी पथ हमसिका ऑफ राग हिंडोला एंड सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। इन पेंटिंग्स को हम इस कंटेंट में इस वीडियो में कवर करेंगे एंड इससे रिलेटेड इस चैप्टर का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड सब स्कूल्स ऑफ डेक्कन आर्ट, इससे रिलेटेड जो हमारा वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उसे हमने पार्ट 1 में कवर किया है। उसे आप चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं एंड उसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक उसको ऐड कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड हॉकिंग, दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। टाइम पीरियड 16th सेंचुरी। ये पेंटिंग 16th सेंचुरी में पेंट की गई थी। टेक्निक टेम्परा ऑन पेपर, ये पेंटिंग टेम्परा टेक्निक से पेपर पे इसको बनाया गया है। सब स्कूल बीजापुर स्टाइल, सब स्कूल दैट मीन्स ये पेंटिंग कौन से स्टाइल, डेक्कन आर्ट की पेंटिंग है ये, बट डेक्कन आर्ट के अंदर सब स्कूल कौन से, एग्जिट जो स्कूल है इसका नाम बीजापुर डेक्कन आर्ट, बीजापुर स्टाइल ऑफ डेक्कन आर्ट के नाम से इसको हम बोलेंगे, स्कूल डेक्कन आर्ट। इन दोनों टॉपिक्स को, सब स्कूल, स्कूल को आप एक एक वन लाइन में भी इसको आप लिख सकते हो, स्कूल मेंशन करके बीजापुर स्टाइल ऑफ डेक्कन आर्ट, इस तरह से भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट कलेक्शन द इंस्टीट्यूट ऑफ द पीपल ऑफ एशिया अकेडमिक ऑफ साइंस लेनिनग्राड रशिया में पेंटिंग कलेक्टेड है। डिस्क्रिप्शन इन दिस पेंटिंग सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड इज राइडिंग ऑन हिज हॉर्स एंड होल्डिंग अ हंटिंग हॉक। अब पेंटिंग के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सुल्तान जो है, जिन्हें इब्राहिम, इन्हें सुल्तान इब्राहिम सेकेंड के नाम से भी ये फेमस रहे हैं, तो इनको इब्राहिम सेकेंड भी बोलते हैं। इन्होंने अपने हाथ में एक हॉक को, हंटिंग हॉक को होल्ड कर रखा है एंड ये घोड़े पर सवार है एंड इन्हें डेंस फॉरेस्ट के अंदर इनको दिखाया गया है। साथ ही अगर इनका कॉस्ट्यूम की बात करें तो कॉस्ट्यूम भी अगर आप देखोगे तो जो मुगलिया जो कॉस्ट्यूम होता है वो इन्होंने वेयर कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। एंड जो हॉर्स के लिम्स को अगर आप देखते हो, दैट मीन्स जो हॉर्स का लेग वाला जो पार्ट है एंड टेल वाला पार्ट, ये दोनों ही रेड कलर से पेंट किए हुए, अगर आपको दिख रहा है तो हम इस पेंटिंग को देखते हैं। द हॉर्स टेल एंड लिम्स वर पेंटेड इन रेड कलर एंड द कॉस्ट्यूम ऑफ सुल्तान हैव बीन पेंटेड इन पिंक कलर। जो हॉर्स के लिम्स, टेल जो वाला पार्ट है, वो बॉडी पार्ट को छोड़ करके लिम्स और टेल वाला पार्ट रेड कलर से पेंट किया है, जैसे मैंने अभी आपको पेंटिंग में दिखाया था। एंड साथ ही सुल्तान ने पिंक कलर का ड्रेस कॉस्ट्यूम वेयर कर रखा है। इन द बैकग्राउंड वॉज डेकोरेट विद फुली डेंस फॉरेस्ट फॉलीज विद डीप ऑलिव ग्रीन एंड इमर्ड ग्रीन एंड कोबाल्ट ब्लू कलर्ड क्रीन, कोबाल्ट ब्लू कलर्ड क्रीन एंड गोल्डन कलर्ड स्काई हैव बीन डिपिक्टेड। बैकग्राउंड के अंदर बिल्कुल एकदम घना जंगल दिखाया गया है, जो वनस्पति, जो फॉलेज है, उसको डीप येलो ऑलिव ग्रीन कलर से, एमर्ल्ड ग्रीन से एंड से उसको क्रिएट किया गया है। साथ ही जो क्रेन्स है, जो वहाँ पे क्रेन्स को दिखाया गया है, वो कोबाल्ट ब्लू कलर से उनको बनाया गया है एंड स्काई को ब्लू कलर से ना बना करके गोल्डन कलर से उसे क्रिएट किया गया है, जैसे पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं पेंटिंग में। पेंटिंग में अगर आपको दिख रहा है तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि पेंटिंग के अंदर जो
बिल्कुल, ये ग्रीन ऑलिव ग्रीन कलर से इसको बनाया गया है, एंड जो गोल्डन कलर का ये स्काई क्रिएट किया गया है इसके अंदर, एंड पिंक कलर की सुल्तान की कॉस्ट्यूम है, रेड कलर के हॉर्स के लिम्स वगैरह क्रिएट किए गए हैं, ये सारा कुछ इसमें क्रिएट किया गया है। इन द फोरग्राउंड द गोल्डन हॉर्स हैज़ बीन डिपिक्टेड विद रॉक्स एंड द डेंस फॉलिएज एंड प्लांट्स शोन। और फोरग्राउंड के अंदर सेम एज यूजुअल, जैसे कि बैकग्राउंड के अंदर डेंस फॉरेस्ट को क्रिएट किया गया, बनाया गया है, कंपोज किया गया है, सेम उसी तरीके से फोरग्राउंड में भी नेचर को काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। द रनिंग हॉर्स जनरेट्स एन एनर्जी इन द पेंटिंग एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस कैन बी शोन क्लियरली इन दिस पेंटिंग। हॉर्स को रनिंग पोजिशन में जो उसकी पोजिशन, जो उसका पोज बनाया गया है हॉर्स का, दैट मीन्स वो पता लग रहा है कि रनिंग पोजिशन में है, एंड वो पेंटिंग के अंदर के एनर्जी को क्रिएट करता है कि वो उसमें एक रनिंग पोजिशन, दैट मीन्स उसमें मूवमेंट शो हो रही है पेंटिंग के अंदर। एंड साथ ही जो कलर्स कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से स्काई को बनाया गया है, ये सारा कुछ जो पेंटिंग में जो कलर कॉम्बिनेशन जो यूज़ किया है, वो सारा पर्सन इन्फ्लुएंस को शोन करता है। नेक्स्ट पेंटिंग इज कंपोज्ड हॉर्स, दिस इज कंपोज्ड हॉर्स पेंटिंग। इस पेंटिंग में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे पिक्चर्स, एक हॉर्स जो मेन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे फिगर्स क्रिएट किए हैं, एंड साथ ही साथ जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में भी लॉट ऑफ फिगर्स को क्रिएट किया गया है। देखिए पेंटिंग के बारे में, टाइम पीरियड अर्ली 17th सेंचुरी, सब स्कूल गोलकुंडा स्टाइल, दिस पेंटिंग रिलेटेड टू गोलकुंडा स्टाइल ऑफ डेक्कन आर्ट। डिस्क्रिप्शन, दिस पेंटिंग इज अ क्यूरियस मिक्स ऑफ मैनी आर्टिस्टिक फीचर। इन दिस पेंटिंग मैनी ह्यूमन फिगर्स इंटरट्विंड इन अ गैलोपिंग हॉर्स एंड बैकग्राउंड आर फुली डेकोरेटेड विद फ्लाइंग क्रेन्स, लॉयंस, चाइनीज क्लाउड्स एंड प्लांट्स विद लार्ज लीव्स। पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, पेंटिंग अगर आप दिख रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे आपको एलिमेंट्स नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हॉर्स का पूरा फिगर बना हुआ है, इसके अंदर आपको ये ह्यूमन फिगर्स बनेंगे, ह्यूमन फेसेस मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पेंटिंग में अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको क्रेन्स भी दिख रही हैं, ये क्रेन्स है, ये चाइनीज क्लाउड्स बने हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये प्लांट्स दिखाए गए हैं, साथ ही रॉक्स को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस तरह सारे फिगर्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया है इस पेंटिंग के अंदर। द अपर पार्ट ऑफ बैकग्राउंड अपीयर्स लाइक एयरी फ्लाइंग, बट व्हेन वी सी द बॉटम पार्ट ऑफ द पेंटिंग देयर आर रॉकी सॉलिड ग्राउंड। बैकग्राउंड पेंटिंग के बैकग्राउंड पे बात करते, दैट मीन्स जो बैकग्राउंड का जो अपर पोर्शन है, अगर हम वहाँ देखते हैं तो एक एयरी फ्लाइंग वाला एटमोसफियर नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लाउड्स भी बने हुए दिख रहे हैं, क्रेन्स भी उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर जो एयरी एटमोसफियर वहाँ पे क्रिएट किया गया है। वहीं जब हम बॉटम पार्ट को देखते हैं, पेंटिंग के बॉटम पार्ट को देखते हैं, जहाँ पे हॉर्स स्टेबल है, राइडिंग फॉर्म में खड़ा है, वहाँ पे आप देखोगे तो सॉलिड रॉक को भी वहाँ पे, एंड रॉकी सॉलिड ग्राउंड को वहाँ पे क्रिएट किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे प्लांट्स वगैरह को भी, शर्ब्स को भी वहाँ पे क्रिएट किया गया है, विद लार्ज लीव बनाया गया है। होल पेंटिंग क्रिएट अ मेमोरेबल विजुअल एक्सपीरियंस। पेंटिंग के अंदर दो एटमोसफियर वन टाइम में क्रिएट किए गए हैं, जो एक मेमोरेबल विजुअल एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। लिमिटेड कलर यूज इन पेंटिंग लाइक ब्राउन, ब्लू, येलो एंड ग्रीन कलर्स। नेक्स्ट पेंटिंग इज रागिनी पथहंसिका ऑफ राग हिंडोला, दिस इज राग हिंडोला पेंटिंग, एंड दिस पेंटिंग टेकन फ्रॉम रागमाला सीरीज।
टाइम पीरियड 1590 to 1595 AD, लेट 15th सेंचुरी में इसको क्रिएट पेंट किया गया था. सब स्कूल इज अहमदनगर स्कूल एंड सम स्कॉलर्स बिलीव इट टू बी फ्रॉम बीजापुर स्कूल. कुछ जो स्कॉलर्स है वो इस पेंटिंग को बीजापुर स्टाइल की मानते हैं. स्कूल डेक्कन स्कूल. कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. ये पेंटिंग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सिक्योर्ड है. डिस्क्रिप्शन दिस पेंटिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रागमाला सीरीज. इन दिस पेंटिंग थ्री फीमेल फिगर हैव बीन डिपिक्टेड वेरी ब्यूटीफुली इन रेड कलर फोरग्राउंड. पेंटिंग के अंदर अगर आप देखते हो तो पेंटिंग के फोरग्राउंड में आपको रेड कलर का एक कारपेट सीन होगा. दैट मीन्स ये रेड कलर से क्रिएट किया गया फोरग्राउंड को एंड थ्री फीमेल्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया है एंड साथ ही गोल्डन कलर के लैम्प को यहाँ पे दिखाया गया है, चार को दिखाया गया सॉरी. एंड ये एक एलिफेंट फिगर, दैट मीन्स ये टॉय, एक टॉय है, इसको यहाँ पे क्रिएट किया गया है. पेंटिंग में अगर आप देखोगे तो पूरा जो ये आर्किटेक्चर वर्क जो हुआ है इसमें हमें पर्शियन इम्पैक्ट नज़र आता है. दैट मीन्स ये टॉम्स बनाए गए हैं और सिमेट्रिकल फॉर्म्स में इनको क्रिएट किया गया है इसके अंदर. एंड पेंटिंग के अपर पोर्शन में एक स्क्रिप्ट भी इसमें रिटन की गई है. तो ये सारा कुछ पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है. ये पेंटिंग में जो मेन कैरेक्टर है, दैट मीन्स ये जो लेडी मिडल मिड पोर्शन में जो प्रिंसेस है, इसने वीणा को होल्ड कर रखा है एंड ये वीणा को प्ले कर रही है. तो देखें इसके बारे में. अ प्रिंसेस इज शोन होल्डिंग अ वीणा एंड सिटिंग ऑन रेड कलर थ्रोन. बोथ साइड टू मेड्स आर स्टैंडिंग. वन ऑफ मेड वॉज हैविंग अ फैन फॉर द प्रिंसेस. येलो कलर्ड जग in the center and the black colored elephant toy has been painted in the foreground. Figures are shown in the profile face, that means one-eyed face. Profile faces मतलब that means जहाँ पे ए हमें जो person होता है उसकी एक ही आँख बनाई जाती है उसे profile face बोला जाता है. और इसे हिंदी में एक चश्म चेहरा भी बोलते हैं. तो figures को आप सारे जितने figures इसमें create थे, three figures को बनाया गया है एंड थ्री फिगर्स में इनको प्रोफाइल मैनर में से क्रिएट किया गया है. इन दिस पेंटिंग ऑल पिलर्स एंड द टॉम्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन इन अ सिमेट्रिकल मैनर. जो आर्किटेक्चर जो वर्क हुआ है इन्हें टॉम्स और पिलर्स में क्रिएट किया गया है एंड जो डिज़ाइंस वगैरह जो बनाई गई वो सिमेट्रिकल मैनर में रिपीट हुई है. एट द टॉप ऑफ द पेंटिंग एन इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. The whole composition is well balanced and the Persian influence is shown by colors. Yellow, orange, green, blue and gold color used in this painting. Next painting is Sultan Abdullah Qutb Shah. This is portrait painting of Abdullah Qutb Shah. He is the famous ruler of Golconda region. Time period late 16th century. Sub school Bijapur style. He was ruler of Golconda region, but this painting related to Bijapur style. School Deccan school. Collection National Museum New Delhi. Description: In this painting, this is a portrait painting of Sultan Abdullah Qutb Shah. He was sitting on a throne in terrace garden. इस पेंटिंग में अगर आप देखोगे तो जो ये जो रूलर हैं, जो किंग हैं, सुल्तान हैं, वो एक पोर्च एरिया में, टेरेस एरिया में बैठे हुए हैं. साथ ही ये अपने थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं सिटिंग पोजीशन में एंड हाथ में इन्होंने एक अपनी तलवार को, अपनी स्कॉट को भी, शॉर्ट को भी होल्ड कर रखा है. नेक्स्ट हैंड में, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड के अंदर उन्होंने हैंकर चीफ को होल्ड किया हुआ है एंड सुल्तान की बैक में, दैट मीन्स जो हेड के बैक में अगर आप देखोगे तो एक होलो को भी क्रिएट किया गया है तो डिवाइन लुक देने के लिए. एंड जो थ्रोन की जो जो भी थ्रोन का जो
पोर्शन है, जो जो क्वेट वाला पार्ट है एंड उनका जो मसन, जो उनका कुशन है, उन्हें पर्पल एंड ब्लू कलर में क्रिएट किया गया है। एंड सुल्तान का कॉस्ट्यूम प्रॉपर मुगल मुगलिया कॉस्ट्यूम उनको क्रिएट किया गया, पहनाया गया है। तो देखें इनके बारे में, ही वॉज सिटिंग ऑन अ थ्रोन इन द टेरिस गार्डन। सुल्तान इज डिपिक्टेड विद अ हेलो एंड होल्डिंग अ सोर्ड इन वन हैंड, इन अदर हैंड होल्डिंग हैंकर चीफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पेंटिंग के अंदर, डीप ग्रीन कलर्ड बैकग्राउंड हैव बीन मेड एंड द किंग्स कॉस्ट्यूम क्रिएटेड इन कॉन्ट्रास्ट कलर ऑफ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में किंग का कॉस्ट्यूम को क्रिएट किया गया। दैट मीन्स ग्रीन, डीप ग्रीन कलर का अगर बैकग्राउंड बना हुआ है तो जो किंग का कॉस्ट्यूम है वो येलो कलर में क्रिएट किया गया है। ही वॉन फ्लावर्ड गोल्डन जामा, गोल्डन दैट मीन्स येलोइश गोल्डन कलर के जामे को, दैट मीन्स जो कुर्ता होता है अनारकली कुर्ता टाइप का, उसे सुल्तान ने वेयर कर रखा है एंड उसके ऊपर फ्लावर्स के बूटे बनाए गए हैं। एंड सिटिंग ऑन अ पर्पल कलर्ड थ्रोन विद ब्लू कलर्ड कुशन, अ हेलो हैज बीन डिपिक्टेड टू शो सुल्तान्स डिवाइनिटी। जो हेलो क्रिएट सुल्तान के पीछे जो क्रिएट किया गया है उसके डिवाइन लुक को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। सो आज इस वीडियो में इतना ही। पेंटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।